मजा अगर अंदर लेना है ना, ग्लासेस को टच मत करो। ग्लासेस को टच नहीं करेंगे ना तो पता भी नहीं पड़ेगा इतनी आसानी से कि जाना किधर है। सभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हर जगह ऐसा लग रहा है कि ग्लासेस लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है निकल जाऊंगा यहाँ से। वो जगह कहाँ जाए तो बंदे रास्ता, वो पीछे आ गया अभी। हो गया तेरा, वीडियो शुरू करें। क्या देख रहा है? So, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे हैमलीज के कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स। और मिरर मेज के अंदर जाने के बाद हमारे साथ में क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चले फिर, चलो भाई। हाँ जी, तो जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग गए थे अहमदाबाद निर्मा यूनिवर्सिटी में जजमेंट के लिए। तो क्या हम किसी सिटी में जाएं और उसे एक्सप्लोर न करें? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। कोरोना भाई, इस स्टोर का नाम हैमलीज, जहाँ बहुत यूनिक यूनिक खिलौने मिलते हैं। खिलौने? बेटा वो खिलौने लेने के लिए नहीं होते, सिर्फ देखने के लिए होते हैं। अरे पापा, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल बाप में जाना नहीं। पागल, इसका मतलब तू बड़ा है, समझदार है, बड़े बच्चे थोड़ी खिलौने से खेलते हैं। बात तो सही है पापा, बड़े बच्चों को भी तो खिलौने होते हैं, जैसे बैट बॉल, फुटबॉल, वो ही लेते हैं। बात तुझे भी सही। अरे बेटा, ले तो लेते लेकिन ले लेके कहाँ घूमते फिर? बात तुझे भी सही है पापा, पर कुछ तो लेके आते हैं। बात तुझे, अब इसको कौन समझा यार, ऐसे में लेने का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अब ऐसे में करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। चलो कोई बात नहीं, पर दिखा तो दो क्या क्या था वहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैमलीज जो है दरअसल वो लंदन बेस्ड टॉय सेल करने वाली एक कंपनी है, जिसके कई सारे फ्रेंचाइज स्टोर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पापा, पर टॉयज कौन से थे वो तो बताओ। हैमलीज में कई सारे टॉयज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये वाला आपको रियल लगेगा। वैसे हैमलीज में सिर्फ छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी काफी सारे टॉयज मिल जाते हैं। ये फंस गया, मैं आता हूँ। देखिए वैसे अगर लेने जाओ तो बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन हमारे पास में एक ही दिन था और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। वैसे देखा जाए तो हैमलीज के प्रोडक्ट थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। अब आए ना लाइन पे। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट सारे प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले हमने हैमलीज से ये गन खरीदी थी। इतना क्यों है भाई? ये तो बात थी पहले की, लेकिन इस बार एक और जगह एक्सप्लोर करी जो हैमलीज के अंदर ही थी। और वो क्या है? मिरर मेज। अंदर जाने से पहले आपको पहनने पड़ते हैं ये ग्लव्स। मेरे को भी वैसी फीलिंग आ रही है जो सीआईडी में डॉक्टर होता है ना, फोरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं, ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स ना रहे अंदर और अंदर कोई सुराग ना रह जाए। मजाक कर रहा हूँ। ग्लव्स क्यों पहना था पापा? वो इसलिए ताकि आपके हाथों से मिरर खराब ना हो जाए। So, अगर आप यहाँ जाते हैं तो ज्यादा एंजॉय करने के लिए ये करिए। मजा अगर अंदर लेना है ना, ग्लासेस को टच मत करो। ग्लासेस को टच नहीं करेंगे ना तो पता भी नहीं पड़ेगा इतनी आसानी से कि जाना किधर है। सभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हर जगह ऐसा लग रहा है कि ग्लासेस लगे हुए हैं। पापा, ये तो पूरा बुलबुले है जैसा। घूमिए इधर से उधर, अटक गया। मुझे पूरा विश्वास है निकल जाऊंगा यहाँ से। वो जगह कहाँ जाए तो बंदे रास्ता, वो पीछे आ गया अभी। चीनी है, आगे जा रहे हैं। वैसे हमें लग रहा था कि इतना भी टिपिकल नहीं होगा, अंटिल हमारे साथ में ये हुआ। एक सेकंड के लिए फोटो क्लिक कराया था तो उससे क्या हम लोग कंफ्यूज हो गए, हम लोग आए किधर से भाई साहब? अब तो ढूंढना ही पड़ेगा भाई, अब तो आते हैं। जहां आपको अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, वापस वहीं नहीं पहुंचे हम, लेकिन जहां आप रुक जाओगे वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रहन दो फिर। फिर सनी को कुछ दिखा, वो मैं सही जा रहा हूं, मेरे को मिल गया रास्ता, इधर आओ, यहां से घूम के आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन नहीं, इतना भी आसान नहीं था। अरे क्या वापस नहीं आओगे? मैं तो कहाँ से, वही तो रास्ता है यार, उल्टा लिया है वापस से। क्या गुंडा बनेगा रे तू क्या फिर से वही आ गए?
ऐसा अगर आपके साथ में हो तो लास्ट ऑप्शन सिर्फ यही बचेगा। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना वैसे वैसे रास्ता मिलता जा रहा है। वो सामने कैसा लग रहा है, अगर मेरे को टच नहीं करोगे तो ज्यादा एडवेंचरस होगा। मैंने ऐसे आगे आप करते जाओगे तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ किधर जा रहे किधर नहीं जा रहे। फ्लोर से भी आप लोग को पता चल सकता है थोड़ा बहुत, बट जितना दूर रहेंगे उतना अमेजिंग लगेगा। मिरर को टच करके अटक जाओ बहुत देर तक तो फिर आप निकल पाए। फिर हम लोग क्या हुआ, 3-4 महीने अंदर ही रहे, वहाँ छुपन छुपाई खेली, फिर जब सारी छुपने की जगह वहाँ पे नहीं मिली तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बाहर। कोई सेंस है इस बात की? कुछ भी, यहाँ पे आके इंसान अटक जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे मैं अटक चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। मत बस सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। घूम ही रहे इधर से उधर कब से, बाकी अंदर लाइटिंग के साथ में इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, एक बार के लिए तो इंसान घूम ही जाएगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। और फिर फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया। स्टेज पार देखा, दरवाजे में टच नहीं करते ना तो इतना इजी नहीं होता। okay. तो दरवाजे पे मैंने हाथ लगाया ना अगर तो वहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और फिर जब बाहर निकले, यहाँ से पुश है, फाइनली स्टेज पार हो गया। वो उधर से थे, आए इधर से। पापा मुझे भी यहाँ जाना है। जाएंगे बेटा जाएंगे, लेकिन कब? देखूंगा सोचूंगा घर पर सो कुछ कहूं। So, वैसे चेरिश को भी अब यहाँ पे जाने का मन तो हो ही गया है। आपको भी अगर यहाँ पे आना है तो आपको बता देते हैं, वैसे हैमलिस के स्टोर्स आपको कई जगह मिल जाएंगे जहाँ आपको मिरर मेज भी मिल सकता है। बेस्ट ऑप्शन है सर्च करो हैमलिस स्टोर नियर मी, या फिर अगर इसी स्टोर की बात करें जहाँ हम गए थे तो ये था अहमदाबाद के Alpha 1 मॉल में। वैसे Alpha 1 मॉल में हमारे साथ में एक किस्सा और हुआ था जहाँ पे हमें पुलिस पकड़ लेती है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगला वीडियो वही आने वाला है। और वीडियोस देखनी है तो यहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कुकर की सीटी, ताकि आपके हैमलिस में कई सारे स्टॉयस स्टॉयस क्या होता है स्टोर या स्टॉयस दोनों से जाएंगे बेटा जाएंगे। डायलॉग मारते रहो और कुछ नहीं।